फिल्म पद्मावत को लेकर देश भर में खूब बवाल मचा है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने इस फिल्म की रिलीज को हरी झंडी दे दी है, तो दूसरी तरफ राजपूत समाज के लोग खुलकर इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं और साफ प्रशासन को और जनता को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर इस फिल्म को लगाया गया तो वह जमकर इसका विरोध करेंगे। ऐसे में हमने लोगों से बातचीत की और लोगों से जाना कि आखिर क्या चाहते हैं लोग। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत का नाम भले ही पद्मावती से बदलकर पद्मावत कर दिया गया हो, इस फिल्म की रिलीज को भी सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई हो, परंतु इसके बावजूद भी लोगों का विरोध बरकरार है। इस विरोध का बिगुल फूंकने वाले राजपूत समाज के लोगों को सरकार का साथ भी खूब मिला और सरकार के कद्दावर मंत्रियों ने भी इस फिल्म के बैन की पैरवी की, परंतु सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद मामला और चुनौतीपूर्ण हो गया है। वीरवार दिन 25 जनवरी को यह फिल्म रिलीज होने जा रही है, जिसके बाद सरकार ने सिनेमा हॉलों की सुरक्षा बढ़ाते हुए लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है, परंतु लोगों के विरोध और विरोधियों के अल्टीमेटम को देखते हुए कई सिनेमा हॉल मालिकों ने फिलहाल फिल्म का प्रदर्शन न ही करने की बात कही है। ऐसे में अब आम लोग भी कहीं ना कहीं किसी फिल्म का विरोध कर रहे हैं और लोगों के साथ इत्तेफाक और सहानुभूति रखते हैं। उनका कहना है कि यदि फिल्म प्रदर्शित होने से समाज के किसी वर्ग या समुदाय की भावनाओं को ठेस लगती है तो उसे प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को अपने इस फैसले पर पुनः विचार करना चाहिए। भंसाली टीआरपी बटोरने के लिए विवादित फिल्मों का निर्माण करते हैं, जिससे लोगों की भावनाओं को ठेस लगती है। देखिए, ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कोई भी नहीं इस देश में हो सकता, पर इस समय लोगों की भावनाओं का सवाल है। जो राजपूत कम्युनिटी है उनको ठेस पहुंच रही है इस पिक्चर की वजह से, तो हम चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन रिव्यू करे ताकि लोग बाग इससे खुश रहें। नहीं, अदालत से बड़ा तो कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन फिल्म जो होती है वो एंटरटेनमेंट के लिए होती है। एंटरटेनमेंट के लिए एक फिल्म बनाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ अगर किसी के मान सम्मान और इतिहास के साथ अगर छेड़छाड़ की जाए और अगर कुछ एक समुदाय को लगता है कि इसमें कुछ गलत है, तो सुप्रीम कोर्ट को भी इस बात को समझना चाहिए और उनको इसको रिव्यू करना चाहिए, चुनौती देनी भी चाहिए, क्योंकि देश के करोड़ों आदमियों की भावना को ठेस पहुंची है। अगर आज एक कौम अगर राजपूत खड़ी हुई है तो उनके साथ हमें खड़ा होना चाहिए, हमारे अंदर डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए, क्योंकि इस तरह की फिल्में पहले भी बनी और डिस्प्यूट चलता रहा है, इसको दोबारा रिव्यू करना चाहिए ताकि पब्लिक की इंटरेस्ट के लिए, पब्लिक को यूनिट करने के लिए, देश को एक करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के इसके ऊपर दोबारा पुनर्विचार विचार करना चाहिए, मेरी ये रिक्वेस्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश जारी किया है, किसी डायरेक्टर के हाथ में दे दिया है ये फैसला, तो सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ जो हमारे राजपूत समाज के लोग हैं, लोगों को उनकी भावनाओं के बारे में भी सोचना चाहिए, जिससे उनकी भावनाएं आहत ना हो। इसके साथ साथ जो हमारे सिनेमा घर के जो मालिक हैं उनको भी सोचना चाहिए, जिससे किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। जैसे जैसे फिल्म की रिलीज की तारीख निकट आ रही है, ऐसे में फिल्म का विरोध करने वाले लोगों की आवाज भी और तेज होती जा रही है। अगले दो दिन प्रशासन के लिए कड़ी चुनौती साबित होने वाली है। अम्बाला के डीसी ने मामले से निपटने के लिए ड्यूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिए हैं। इस पूरे मामले में हमने अम्बाला की उपायुक्त शरणदीप कौर से भी बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने इस पूरे मामले से निपटने के लिए ड्यूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिए गए हैं। किसी भी कीमत पर शहर में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। जी, हमारी तरफ से सभी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स दुरुस्त है, ड्यूटी मैजिस्ट्रेट्स लगा दिए गए हैं और पूरे पुख्ता इंतजाम। वहीं फिल्म का विरोध करने वाले लोगों से निपटने के लिए पुलिस ने भी सुरक्षा की डोर थाम ली है। अम्बाला कैंट के डीएसपी का दावा है कि फिल्म थिएटरों के आसपास और बाहर पुलिस के पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम हैं। पुलिस हर स्थिति से निपटने में सक्षम है। पुलिस का व्यापक प्रबंध किए जा चुके हैं और इसमें जो हमने गार्ड वगैरह भी लगा दिए, और इसके अलावा 7-8 जो स्टाफ है हमारा पुलिस का, उनको भी अलग से तैनात किया गया था। और इसके अलावा जो और भी अगर जरूरत पड़ेगी तो आवश्यकता अनुसार हमारे पास पर्याप्त मात्रा में फोर्स है, तो किसी तरह की कोई आगजनी या कोई और अनहोनी नहीं होने दी जाएगी। नहीं नहीं नहीं, किसी को डरने की जरूरत नहीं है, तो जो भी अगर वो सुरक्षा की और भी मांग करेंगे तो हम उनको पर्याप्त मात्रा में जो फोर्स है वो उपलब्ध कराएंगे।
वहीं हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने मुख्यमंत्री के आह्वान पर मोहर लगाते हुए कहा कि जैसा कि मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा है, सिनेमा हॉल इन फिल्मों को लगाने से परहेज करें, लोगों की भावनाओं का सम्मान करें, यदि फिर भी कोई फिल्म दिखाना चाहता है वहां सुरक्षा मुहैया करवा दी जाएगी। यह मामला जनमानस की भावनाओं से जुड़ा है जिसकी कदर की जानी जरूरी है। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने कल बहुत स्पष्ट कह दिया कि अच्छा हो कि सिनेमा हॉल ना दिखाएं, लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए, परंतु फिर भी अगर वो दिखाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए हम उनको सुरक्षा प्रदान करेंगे। पद्मावत फिल्म की रिलीज को लेकर प्रशासन और पुलिस भले ही कितने दावे करते रहे, लेकिन आने वाली 25 तारीख को जब ये फिल्म रिलीज होगी तब देखना ये होगा कि प्रशासन आखिर किस तरीके से सुरक्षा इंतजाम करेगा, क्योंकि पहले भी हरियाणा में दो बार ऐसी बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं जब पुलिस और प्रशासन के सुरक्षा के सभी दावे फेल रहे हैं।